हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MNNIT इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। सभी डिटेल और एलिजिबिलिटी आपको यहां मिल जाएगी। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको यहीं पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे इसके ऑनलाइन पोर्टल पर, जहाँ से आप इसको रजिस्टर करेंगे और उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई आप करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर रजिस्टर करना है, इसलिए आपको इस रजिस्टर टैब पर क्लिक करना है। यहां पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहां पर डालनी है। सबसे पहले आपको आपकी मेल आईडी डालनी है, जो कि आपको आपकी एक्टिव हो और आपकी वैलिड हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट का आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड को लिख देंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया है पासवर्ड के लिए, तो आप जो भी पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं उसको आप 2 बार यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड जो भी है आपका वो आप यहाँ पर टाइप करके और यहाँ से आप जनरेट OTP वाले सेक्शन से OTP जनरेट करेंगे। और फ्रेंड्स जो ये OTP है वो आपकी जाएगी ईमेल आईडी पर, और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आई है और डाउनलोडेड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप यहां पर जो OTP आपके ईमेल आईडी पर आई है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि है आपके रजिस्टर नाउ का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर मैसेज शो करेगा कि आप रजिस्टर सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब आपको आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है इसके द्वारा आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर पोस्ट का, तो यहां पर है फ्रेंड्स चूज द पोस्ट। तो आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं आपके सामने सभी पोस्ट यहाँ पर ओपन है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप जिस पोस्ट पर भी क्लिक करेंगे वहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए इसकी जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो आपको यहां मिल जाएगी। तो यहां पर आपको एज लिमिट, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर आपसे उस पोस्ट में मांगा गया है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने किया है सीनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन से क्लिक करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा पहले एज लिमिट पर और उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, कि आप एज लिमिट भी आप सही है आपकी और उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आप इस सीधे अप्लाई वाले सेक्शन से क्लिक करके इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पोस्ट का नाम आपका आ चुका है यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट, जिसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आपकी मेल आईडी आ चुकी है, ये आपका डैशबोर्ड है। और अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए। सबसे पहले है यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आपका जो नाम है पूरा नाम वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन, तो यहाँ पर सबसे पहले मंथ डेट एंड ईयर आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मंथ ईयर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है जेंडर का ऑप्शन, तो आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन का, यदि आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेंड्स जनरल की, OBC, SC, ST या EWS। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे आप SC, ST और या फिर EWS सेलेक्ट करते हैं या फिर आप OBC भी सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा PDF डॉक्यूमेंट में, तभी फ्रेंड्स आप आगे की जो है प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड्स PWD कैंडिडेट के लिए, यदि आप इसमें आते हैं तो यस करेंगे। और उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर PDF में अपलोड करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दोनों ही फाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम साइज आपको 1 MB दिया गया है, मतलब 1 MB से नीचे आपकी फाइल ये होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और साथ में यदि आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो भी आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फादर नेम की एंट्री करनी है, तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको फादर नेम लिखना है। आपका मदर नेम की एंट्री करनी है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, सिंगल है या मैरिड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमिनशन फ्रेंड्स आपको यहाँ लिखना है कि आपका डोमिनशन क्या है, तो अपना जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर मैंशन कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस,
तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो दो लाइन में आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपने जो टाउन है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर सिटी का नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने स्टेट को मैंशन कर देंगे। यदि फ्रेंड्स आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और आपका परमानेंट सेम है तो सेम है इस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप मैनुअली एंट्री इसकी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर नेशनलिटी का, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ का। यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसका नंबर आप यहाँ पर देंगे और उसका भी अटैच प्रूफ आपको यहाँ पर PDF के तौर पर सबमिट करना होगा। इसके बाद ही फ्रेंड्स आप इस सबमिट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करनी है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो साइज़ है फोटोग्राफ का वो आपका 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको JPG इमेज में ये फॉर्मेट में अपलोड आपको करनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ब्राउज के माध्यम से यहाँ पर आपकी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और फिलहाल आपको क्लिक करना है अपलोड वाले सेक्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिटेल भरनी है एकेडमिक रिकॉर्ड की। तो फ्रेंड्स ये आपके जो अभी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जिस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, तो आपका जो भी स्कूल का नाम है पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये है स्टार्ट डेट और ये है आपके कंप्लीट डेट। कंप्लीट डेट है आपकी यहाँ पर जो रिजल्ट डेट है जो कि आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि स्टार्ट डेट आपके पास नहीं है तो उससे एक साल पहले की डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, तो आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी मार्किंग स्कीम है, तो आपका यदि CGPA है या फिर आपका परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स या CGPA ऑप्टेन आपका कितना है, मार्क्स और या CGPA आपका मैक्सिमम कितना था ये आपको यहाँ बताना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मार्क्स, परसेंटेज या CGPA नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको अटैच प्रूफ करना है, मतलब जो आपकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ PDF में अपलोड करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन से क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप हाई स्कूल की डिटेल अपनी एंटर यहां पर कर देंगे वो डिटेल आपको यहां पर शो करने लगेगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो डिटेल्स हैं एकेडमिक रिकॉर्ड की अगर आप और देना चाहते हैं तो आप यहां से उनको दे सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो भी आपकी पोस्ट है जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए, या फिर इसके अलावा यदि आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए आपके पास UG डिग्री है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी नेम, इसके बाद डिग्री नेम, जो भी आपके पास डिग्री है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी स्पेशलाइजेशन, कब से कब तक आपने कंप्लीट किया है, परसेंटेज सिस्टम और उसका जो प्रूफ है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर जाकर या फिर आप इसकी नोटिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए जैसे हम भर रहे हैं यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए जो भी आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड जो डिटेल मांगी गई है वही आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का। तो आप प्रेजेंट में अगर ये एम्प्लॉयमेंट है तो आप यहाँ पर एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। MNIT में आप वर्क करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके अपनी जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये उनके लिए है जो प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है। यदि आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो रखेंगे और उसके बाद सबमिट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कर देंगे, डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस का। ये फ्रेंड्स आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है, प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है पर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस फोल्डर को फिल कर सकते हैं। ये इफ एनी का आप इसलिए लगाया गया है, यदि है तो आप भरिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो रेफरेंस वाला ऑप्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स दो व्यक्तियों के 2 रेफरेंसेज आपको यहाँ पर कम से कम फिल करने हैं। पहले फ्रेंड्स आप किसी का भी आप कम से कम 2 जो गेजेट ऑफिसर्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी टीचर से, किसी आप कोई भी गेजेट अधिकारी से, आप यहाँ पर आप उनका नाम, उनके पद का नाम, उनके एड्रेस, उनकी सिटी, पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनका, वो आप यहाँ पर फिल करके सबमिट इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और उसके बाद सेकेंड पर्सन की भी आप एंट्री करेंगे और यहाँ से आप उसको सबमिट कर देंगे। तो कम से कम जो है आपको 2 लोगों के यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। मैं यदि यहाँ पर अगर बात करूँ, अभी देखिए मैं आपको सैंपल के तौर पर यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ, तो एक बार सैंपल अगर मैं आप फिल करना चाहें तो आप यहाँ पर एक बार फिल कर लीजिए इसको,
और उसके बाद फ्रेंड्स ये सभी डिटेल आपकी ऊपर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेकंड रेफरेंस यहाँ पर देना है और सेकंड रेफरेंस देने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कम से कम आपको दो लोगों के आपको यहाँ पर देने ज़रूरी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी आप यहाँ पर डिटेल लिखेंगे वो गैजेट ऑफिसर होने चाहिए, जो कि आपका जैसे चरित्र प्रमाण पत्र आप जैसे बनवाते हैं दो लोगों से उनकी सील लगवाते हैं, तो ऐसे ही आपको उनका रेफरेंस यहाँ पर देना होगा। ये सब फ्रेंड्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो है आपके एनी अदर इन्फॉर्मेशन का। इसमें फ्रेंड्स यदि आपके पास कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस सेक्शन को फिल कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी डिटेल आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन वो है आपके व्यू एंड फाइनलाइज फॉर्म का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर कन्फर्म एंड फाइनलाइज फॉर्म करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आप इसको फाइनलाइज करें आप क्लिक करेंगे सीनियर असिस्टेंट या फिर आपने जो भी पोस्ट अप्लाई की है उस लिंक पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल की है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगी। आप आराम से इन डिटेल को चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद ही आप इसको सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल आपने गलत कर दी है तो आप उस सेक्शन पर यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लिक करेंगे। जैसे जो मान लीजिए आपने कोई एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है, रेफरेंस गलत भर दिया है या फोटो एंड सिग्नेचर आपको गलत मिल रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके और उसके बाद उसको सही कर लेंगे। दोबारा से आप आके यहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस कन्फर्म एंड फाइनलाइज फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका फॉर्म है वो कन्फर्म हो जाएगा और फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस डिटेल में मैंने आपको सभी डिटेल बता दी हैं कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद का ऑनलाइन फॉर्म। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलेंगे न्यू वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ एंड द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।